हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं डू यू नो दैट ट्रेन्स, फ्रॉम विच बुक मैरी गोल्ड फॉर क्लास थर्ड कल हमने क्या किया था वो को रीड किया था और उसके बाद हमने उसके जो न्यू वर्ड्स थे उनको अंडरस्टैंड किया था हिंदी में सो लेट्स रीड एंड टैंड दिस पोयम हैवी ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है आपने अपने मम्मी पापा से बात की इस बारे में कि मेरे को ट्रेन में लेके जाओ या मैं कभी ट्रेन में गया था या गई थी नहीं जो आज हम देखते हैं जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है आपने ट्रेन देखी तो जरूर होगी वैसे जो आपकी पिक्चर है बुक में आप उसमें भी ट्रेन को देख पा रहे होंगे हैव यू ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर फिफ्टी थ्री सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर फिफ्टी थ्री सो पोयम नेम इज ट्रेन्स ओवर द माउंटेन्स ओवर द प्लेन्स ओवर द रिवर्स है कम द ट्रेन जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से निकल के जाती है कहाँ कहाँ से गुजर कर जाती है आपने देखा है कभी जो ये ट्रेन है वो कहाँ कहाँ जा सकती है माउंटेंस प्लेन्स रिवर्स बट आप सोचेंगे कि रिवर में कैसे जा सकती है कभी देखा आपने रिवर के पानी के अंदर ट्रेन को जाते हुए नहीं ना जो रिवर्स पे ट्रेन कैसे जाती है वहाँ पे ब्रिज बनता है और ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है और जो प्लेन्स है प्लेन्स कौन सा है कल बताया था आपको मैदानी इलाका जो प्लेन्स है हमारे जहाँ पे ऊपर नीचे की कोई जगह नहीं होती वो बिल्कुल सीधा होता है रास्ता वहाँ पे भी क्या होती है ट्रेन चलती है और ट्रेन कहाँ पे जाती है माउंटेंस पे पहाड़ों पर आपने कभी देखी है माउंटेंस पे जाती हुई माउंटेन्स पे तो ऐसे नहीं जा सकती ना ट्रेन तो कैसे जाती है वहाँ पर वहाँ पर ट्रेन्स के लिए रास्ता निकाला जाता है वहाँ पे इसके लिए अलग से पटरी बनाई जाती है उसके अलग से क्या है ट्रैक बनाए जाते हैं जो एक ट्रैक होता है जिसपे हमारी ट्रेन चलती है अदरवाइज आपने देखा होगा बस कहाँ पे चलती है सड़क पर उसके लिए अलग से सड़क बनती है ना बस के लिए वैसे ही ट्रेन के लिए भी अलग से ट्रैक तैयार किया जाता है वो उसी ट्रैक पर चलती है सो वी कैन से ओवर द माउंटेन्स ओवर द प्लेन्स ओवर द रिवर्स हेयर कम द ट्रेन जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से निकलती है माउंटेन से प्लेन से रिवर से नेक्स्ट पैरा कैरिंग पैसेंजर्स कैरिंग मेल ब्रिंगिंग द प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल जो ट्रेन है उसमें कौन बैठता है आपने देखा है कभी आपने टी वी में भी देखा होगा अगर जब आप खुद बैठे हो ट्रेन में तो आपने देखा होगा उसमें पैसेंजर्स होते हैं पैसेंजर्स किस को बोलते हैं मैं पैसेंजर हूँ ट्रेन में क्योंकि मैं उसमें ट्रैवल कर रही हूँ या कर रहा हूँ आप पैसेंजर हो सकते हैं उस ट्रेन के क्योंकि आप उसमें ट्रेवल कर रहे हैं जो ट्रेन में ट्रेवल करता है जो ट्रेन में बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं पैसेंजर्स और एक तो पैसेंजर के लिए ट्रेन होती है दूसरी क्या होती है मेल जो हमारी डाक जाती है जो हमारी चिट्ठी पहुंचती है वो भी कैसे पहुंचती है एक मेल के द्वारा और क्या आता है हमारे पास ट्रेन में हमारा प्रेशियस जितना भी कीमती सामान होता है वो किस में आता है वो ट्रेन में आता है और ऐसा नहीं होता कि हम जहाँ से शुरू करते हैं अपना सफ़र वो उसका अंत नहीं होता उसका अंत होता है विदाउट फेल जिस डेस्टिनेशन में हमें पहुँचना होता है जहाँ हमें पहुँचना होता है ट्रेन हमें वहाँ पे पहुँचाती है अपने पैसेंजर्स को एक जगह से लेती है और दूसरी जगह उसको छोड़ती है वैसे ही वो अपना सामान अपना मेल अपनी डाक को जहाँ पे से उठाती है और जहाँ पे उसको पहुँचाना होता है उस सामान को वो ट्रेन वहाँ पे पहुँचाती है और उसमें कोई डिले नहीं होता कभी फेल नहीं होती वो वो टाइम से चलती और टाइम से ही पहुँचती है अब इस जो हमने पैरा पढ़ा है उसमें से हम पहले छोटे छोटे प्रश्न की बात करते हैं वे डू द ट्रेन मूव कहाँ कहाँ से निकलती है हमारी जो ट्रेन है हम क्या बोलेंगे माउंटेंस प्लेन्स रिवर्स एंड व्हाट इज़ कैरिट इन द ट्रेन्स हम क्या कैरी करते हैं ट्रेन में अपना कीमती सामान प्रेशर्स लोड और मेल और क्या जाता है उसमें पैसेंजर्स ठीक है ये क्या क्या चीज़ें हमारी जो ट्रेन में जा सकती है आप एक और चीज हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि इसमें राइमिंग वर्ड्स की बात की जाती है तो राइमिंग वर्ड्स क्या है जिनकी लास्ट की साउंड सेम होती है जिसकी लास्ट की साउंड सेम होती है अब हमारी फर्स्ट लाइन देखते हैं इसमें हमारे पास है यहाँ पे माउंटेन्स इसमें क्या है एंस की बात है और इसका राइमिंग क्या है नीचे पेंस ओवर द प्लेन्स तो इसकी जो ड्राइविंग साउंड है सेम है तो ये हम क्या बोल सकते है? ये और माउंटेन्स और प्लेन्स जो हमारे है ड्राइविंग वर्ड्स है उसके बाद नेक्स्ट पैर में हम देखेंगे हमारे ड्राइविंग वर्ड्स में कौन कौन से मिलेंगे हमें मेल और फेल इनकी जो लास्ट की साउंड है एल ए आई एल और ए आई एल इनकी जो सेम साउंड है तो ये हमारी क्या है राइमिंग वर्ड्स अगरचे हमने एक चीज और ढूंढनी हो उसमें वी कैन गो फॉर ऑपोजिट ऑल्सो ऑपोजिट ऑफ इन इनका ऑपोजिट क्या होता है Out. In. Out. Do you understand? So we can write in. Out. We have got come. What will be the opposite of come? Come here. Kya hoga? Go there. Go. Come. Go. Come. Go. अब हम क्या करेंगे विल गो फॉर वन एंड मैनी अब इसमें सिंगुलर और प्लोरल की बात भी कर सकते हैं द फर्स्ट वर्ड इज याउंटेन्स माउंटेन्स का वन क्या होगा इसका सिंगुलर क्या होगा माउंटेन और प्लेन्स का प्लेन ट्रेन्स का Train Rivers, River Passengers, Passenger, Loads, Load.